Subscribe Commerce with MG YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द वीडियो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने गेम थ्योरी के डोमिनेंस प्रॉपर्टी को सीखा था आज की वीडियो में हम गेम थ्योरी के ग्राफिक मेथड को सीखने वाले हैं जिसमें हम फर्स्ट प्रॉब्लम को सीखेंगे जहां पर टू इंटू एन गेम का जो हमारा प्रॉब्लम होता है और सेकेंड प्रॉब्लम एम इंटू टू गेम वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे देखिए टू इंटू एन गेम का मतलब है यहाँ पर टू जो है वो टू रोज को शो कर रहा है और जो एन है वो कॉलम्स को शो कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर जो पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होंगी उसमें दो रोज गिवन होंगी और कॉलम्स जो हो सकती है वो एन नंबर ऑफ़ हो सकती है थ्री फोर फाइव सिक्स कितनी भी कॉलम्स हो सकती हैं आइए सॉल्व करते हैं कि किस कि तरीके से ग्राफिक मेथड से ऐसे पे ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए एज शोन बिलो एंड सॉल्व इट ऑप्टिमली यूजिंग द ग्राफिक मेथड तो यहाँ पर हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है इसको हमें प्लेयर ए के हिसाब से सॉल्व करना है ओके okay? और ऑप्टिमली इसका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग ग्राफिक मैथड तो देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है जहाँ पर दो प्लेयर्स अपने हमारे को दे रखे हैं और देखिए अभी जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर जो फर्स्ट केस है हमारा टू इन टू एन गेम का तो यहाँ पर जो रोज हैं वो हमें टू गिवन है और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास फ़ाइव है तो प्लेयर ए की टू स्ट्रेटजीज़ हैं एंड प्लेयर बी की फाइव स्ट्रेटजीज हैं ओके तो ग्राफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है तो टोटल एट स्टेप्स हैं हमारे पास ग्राफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए तो इन स्टेप्स को लगाने से पहले सबसे पहले जो आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें आपको सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो सैडल पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं वही हम अपना रो मिनिमम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम रो मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो इस रो में क्या मिनिमम वैल्यू है तो इस रो में मिनिमम वैल्यू माइनस सिक्स है ही सेकेंड रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारी माइनस नाइन अब इस मिनिमम वैल्यू से हम मैक्सिमम वैल्यू सर्च करेंगे तो इस मिनिमम में मैक्सिमम कौन सी है माइनस सिक्स है तो ये वैल्यू का नाम क्या हो जाएगा ये होगा हमारा मैक्सी मेन ओके इसी तरीके से अगर मैं अपना कॉलम वाइज देखूँ तो प्लेयर बी के यहाँ से मुझे यहाँ पर कॉलम मैक्सिमम निकालना होता है तो यहाँ पर मैं कॉलम मैक्ममम फाइंड आउट करूँगा तो इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू थ्री है वैसे इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू टू है इस कॉलम में मैक्सिमम मेरा सेवन है वैसे इस कॉलम में मैक्सिमम फोर है और इस कॉलम में मैक्सिमम मेरा एट है अब इन्हीं मैक्सिमम वैल्यू से मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी टू है तो इस वैल्यू को मैं क्या नाम दूंगा ये मेरा होगा मिनी मैक्स ओके तो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को मिनी मैक्स कहते हैं तो अगर मैं सैडल पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर मिनी मैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो कोई भी सैडल पॉइंट यहाँ पर नहीं आ पाएगा इस पे ऑफ मैट्रिक्स में तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू ओके तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी माइनस सिक्स जो कि इक्वल नहीं होती हमारे टू के तो यहाँ पर कोई भी सेटल पॉइंट नहीं आ पाएगा अब यहाँ पर हमें क्या करना है अपनी डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्राफिकल मेथड यूजिंग टू इंटू एन गेम फॉर टू इंटू एन गेम तो स्टेप वन होता है कि रिड्यूज द साइज ऑफ पे ऑफ मेट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए बाई अपलाइंग द डोमिनस प्रॉपर्टी तो हमें क्या है करना है अपनी जो प्ले ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स है इसके साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है ओके डोमिनस प्रॉपर्टी लगा के लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं डोमिनंस प्रॉपर्टी अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी हो वीडियो तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना पहले ओके तो आइए करते हैं इस स्ट्रेटजी को हम लिखते हैं फिर से देखिए स्टूडेंट्स अब हम इस पे ऑफ मैट्रिक्स में अपनी डोमिनेंस प्रॉपर्टी चेक करेंगे अब जैसे ये जो क्वेश्चन है वो टू इंटू एन गेम का है तो यहाँ पर मुझे रो वाइज जो है वो डोमिनेंस नहीं चेक करना होगा तो मैं यहाँ पर कॉलम वाइज अपना डोमिनेंस चेक करूँगा और कॉलम वाइज डोमिनेंस चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे कॉलम का सम करना होता है तो सम कर लेता हूँ मैं तो माइनस फोर प्लस थ्री मेरा माइनस वन होता है टू प्लस माइनस नाइन इज माइनस सेवन फाइव प्लस सेवन इज़ ट्वेल्व वैसे ही माइनस सिक्स प्लस फोर इज़ माइनस टू एंड सिक्स प्लस एट इज़ फोर्टीन ओके okay, अब सम समेन करने के बाद मेरे को जो कॉलम है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी फोर्टीन है टर्न अब देखिए स्टूडेंट जैसे यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू 14 है अब हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं हम उसे कंपेयर करेंगे बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की जो कॉलम की वैल्यू है उससे अगर ये वैल्यू इन बाकी एंट्रीज से ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगी तो उससे क्या होगा हमारा ये जो पर्टिकुलर कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा ओके आइए कंपेयर करते हैं इसको फर्स्ट कॉलम से तो सिक्स जो है वो ग्रेटर है माइनस फोर से एंड एट जो है वो ग्रेटर है थ्री से ओके okay? तो ये जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा डिलीट हो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम ने इस कॉलम को क्या कर लिया है डोमिनेट कर लिया है वैसे इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हाइएस्ट वैल्यू है हमारी वो है ट्वेल्व अब इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को सारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करके देखते हैं तो आइए फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो फाइव जो है वो ग्रेटर है माइनस से एंड सेवन जो है वो ग्रेटर है थ्री से तो इससे भी क्या हो जाएगा ये जो हमारा कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा और इस कॉलम ने इस कॉलम को क्या कर लिया है डोमिनेट कर लिया है उसी तरीके से नेक्स्ट हाइएस्ट वैल्यू को हम देखेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट हाइस्ट वैल्यू है वो कौन सी है हमारी वो है हमारी माइनस वन तो हम माइनस वन के जो कॉलम वैल्यूज हैं उसको कंपेयर करेंगे बाकी जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं तो माइनस फोर जो है वो लेसर है टू से तो ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा अब इसके बाद हमें सेक्स उसके बाद वाली हाईएस्ट वैल्यू में जाना पड़ेगा सॉरी वो है हमारी माइनस टू तो माइनस टू में जाएंगे यहाँ पर माइनस वन से ओके okay? तो माइनस वन की वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे अपनी रिमेनिंग टू वैल्यूज़ से तो माइनस सिक्स जो है वो स्मॉलर है माइनस फोर से तो ये भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा अब इसके बाद मुझे फिर से अब नेक्स्ट हाइस्ट वैल्यू में जाना है तो वो हमारी माइनस सेवन है अब इस वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो टू जो है वो ग्रेटर है माइनस फोर से लेकिन माइनस नाइन जो है वो स्मॉलर है तो नहीं हो पा रहा सेकंड से कंपेयर करते हैं टू है, 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 जो है वो हमारा ग्रेटर है माइनस सिक्स से लेकिन नाइन जो है वो फोर से माइनस नाइन जो है वो फोर से छोटा है ओके okay, तो यही वैल्यूज़ हैं जो कि कॉलम में जब हमने करा तो कुछ दो ही हमारी जो है वो डिलीट हो पाई हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको नोट करना पड़ेगा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इस पे ऑफ मैट्रिक्स के साइज़ को रिड्यूस कर दिया है यहाँ पर मेरी दो कॉलम जो है वो डिलीट हो गई है अब जो रिमेनिंग कॉलम्स और रोज हैं वो ये हैं तो प्लेयर बी के मेरे पास वन टू एंड फोर स्ट्रेटजीज हैं एंड प्लेयर ए की सेम वन एंड टू ही हैं अब देखिए स्टेप वन होने के बाद हमें स्टेप टू में प्रोसीड करना होता है तो यहाँ पर स्टेप टू है कि यहाँ पर लेट करना है हमें एक्स बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव वन बाय द प्लेयर ए एंड वन माइनस एक्स बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव टू बाय प्लेयर ए तो यहाँ पर जो प्लेयर ए की जो दो स्ट्रेटजीज़ हैं वन एंड टू तो पहली स्ट्रेटजी को की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमें एक्स लेट करना है और जो दूसरा प्रोबेबिलिटी है उसकी स्ट्रेटजी को हमें वन माइनस एक्स लेट करना है ओके okay. इसके बाद क्या करना है डिराइव द एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन ऑफ प्लेयर ए प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन हमें डिराइव करना है किसके रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लेयर बी के रिस्पेक्ट में अब देखिए यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं तो ये उसका फॉर्मेट है जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड पे ऑफ एंड गेन ऑफ प्लेयर ए तो उसके लिए हमें यहाँ पर बीज ऑल्टरनेटिव को लिखना है उसके बाद हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है अपना एज़ एक्सपेक्टेड पे ऑफ़ फंक्शन एंड एज एक्सपेक्टेड गेन और ए एक्सपेक्टेड गेन हमें यहाँ पर स्टेप थ्री में आप पढ़िए फाइंड द वैल्यू ऑफ़ द गेन वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज़ इक्वल टू वन तो यहाँ पर जो हमें गेन की वैल्यू निकालनी है वो एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन में निकालनी है आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे फिल करते हैं अब देखिए यहाँ पर बी के क्या बी के क्या क्या ऑल्टरनेटिव थे तो बी के यहाँ पर वन टू एंड फोर ऑल्टरनेटिवस हैं तो हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे तो बी के जो ऑल्टरनेटिव हैं वन टू एंड फोर हैं इसके बाद ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालेंगे देखिए जो एक है यहाँ पर हमारे पास वन uh, में ए की क्या है हमारी स्ट्रेटेजी है माइनस फोर और वैसे टू uh, में वर्स्ट उसके ए की क्या स्ट्रेटेजी है थ्री तो हम क्या करेंगे आपस में इसको प्रोबेबिलिटी से इंटू करेंगे और आपस में दोनों वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी से इंटू करेंगे और आपस में सम करेंगे उस तरीके से हमारा ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ़ फंक्शन आएगा तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट उसमें देख रहे हैं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ओके तो क्या वैल्यूज़ है माइनस फोर तो हम माइनस फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे थ्री को इससे मल्टीप्लाई करके वन माइनस एक्स से ओके तो ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा देखिए माइनस फोर एक्स ये हो जाएगा प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स ओके और इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखिए माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स क्या होता है माइनस सेवन एक्स एंड यहाँ पर है आपके पास प्लस थ्री उसी तरीके से आप सेकंड बी के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से आप ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे तो सेकंड बी ऑल्टरनेटिव ये है और ए के ये दोनों हैं तो टू इंटू एक्स एंड माइनस नाइन इंटू वन माइनस एक्स तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटू एक्स प्लस माइनस नाइन इंटू वन माइनस एक्स तो देखिए सॉल्व करके क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स आपका टू एक्स होता है या आपका माइनस नाइन हो जाएगा तो माइनस नाइन इंटू वन आपका माइनस नाइन होगा और माइनस नाइन माइनस एक्स आपका प्लस करके नाइन एक्स हो जाएगा ओके और आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका टू एक्स प्लस नाइन एक्स आपका 11x एक्स एंड यहाँ पर माइनस नाइन तो ये आ जाएगा उसी तरीके से फोर्थ बी ऑल्टरनेटिव के हिसाब से आप ए एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे तो फोर्थ में क्या क्या है आपके पास स्ट्रेटेजीज माइनस सिक्स एंड फोर तो माइनस सिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फोर को वन माइनस एक्स से तो माइनस सिक्स इन एक्स प्लस फोर इंटू वन माइनस एक्स ओके तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा ये और वैसे ये हो जाएगा हमारा फोर माइनस फोर एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स कितना होता है माइनस टेन एक्स एन प्लस फोर ओके तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया है ए का एक्सपेक्टेड ऑफ फंक्शन अब इन वैल्यूज जो हमारे पास ये फंक्शन आई अब इन्हीं फंक्शन की वैल्यू से हम एक्सपेक्टेड गेन निकालेंगे ए का जहाँ पर एक बार एक्स की वैल्यू जीरो रखें और एक बार एक्स की वैल्यू वन रखें तो इस इक्वेशन में एक बार जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखिए ये तो जीरो हो जाएगा तो वैल्यू आएगी थ्री वैसे यहाँ पर जीरो रख के वैल्यू आएगी हमारी माइनस नाइन वैसे इस इक्वेशन में जीरो रख के वैल्यू आएगी हमारे पास फोर अब वैसे इन्हीं इक्वेशन में हम वन की वैल्यू रख के निकालते हैं अपना क्या क्या आएगा तो इस इक्वेशन में अगर मैं वन रखूंगा तो इसको सॉल्व करके मेरा आएगा माइनस फोर वैसे यहाँ पर वन रखूंगा तो इसको सॉल्व करके मेरा टू आएगा और वैसे यहाँ पर वन रख के मेरा क्या आएगा माइनस सिक्स आएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेप थ्री को कंप्लीट करा अब इसके बाद हमें स्टेप फोर में जाना होता है जो हमारा कहता है कि प्लॉट द गेन फंक्शन जो हमारे पास एक गेन फंक्शन आया है उसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है बाय एज्यूमिंग अटेबल स्केल ओके तो स्केल अपना लेके uh, क्या स्केल हमें मार्क करना है देखिए कीप एक्स ऑन द एक्स एक्सिस जो एक्स वैल्यूज हैं वो हमें एक्स एक्सिस में रखनी है और जो गेंस हैं वो हमें वाई एक्सिस में रखना है तो देखिए स्टूडेंट्स कैसा है यहाँ पर हमारा ग्राफ बनेगा तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा तो जो एक्स है वो हमारा एक्स एक्सिस में रहेगा और जो गेंद्स हैं ये जो दो गेन है हमारे पास एक एक्स इक्वल टू जीरो में और एक एक्स इक्वल टू वन में ये वाई एक्सिस में तो ये दो मेरी क्या है वाई एक्सिस है ओके okay, और ये क्या है एक्स एक्सिस है तो एक एक्स एक्सिस एक्स जो है वो एक्स एक्सिस में ही है और जो गेन है एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन वो मेरा वाई एक्सिस में है ओके okay? तो इस तरीके से एक तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है अब देखिए स्टूडेंट ये तो ग्राफ प्लॉट कर लिया अब ग्राफ में वैल्यूज कैसे प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या है x इक्वल टू जीरो में जब थ्री है तो x इक्वल टू वन में वैल्यू क्या है माइनस फोर तो x इक्वल टू जीरो वाली ये है तो इसमें वैल्यू है जब थ्री ओके okay? तो यहाँ पर x इक्वल टू वन वाले में वैल्यू क्या आ रही है माइनस फोर तो यहाँ पर हम माइनस फोर करेंगे तो यहाँ पर हम इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन करने के बाद हम सेकेंड उसमें जाएंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो में माइनस नाइन है तो ये वाले उसमें हम माइनस नाइन देखेंगे तो माइनस नाइन हमारा यहाँ पर आ रहा है वैसे एक्स इक्वल टू वन में हमारा जो पॉइंट है वो है टू तो पॉजिटिव टू यहाँ पर आ रहा है अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे इसके बाद जो लास्ट है वो है एक्स इक्वल टू जीरो में जो पॉइंट है वो फोर है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव फोर है तो यहाँ पर मार्क करा वैसे एक्स इक्वल टू वन में जो पॉइंट है वो माइनस सिक्स है तो यहाँ पर वो पॉइंट है इसको हम मार्क करेंगे और आपस में इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे देखिए पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे ये कौन कौन सा अल्टरनेटिव है तो जो फर्स्ट हमने लाइन ड्रा करी थी वो बी वन ऑल्टरनेटिव था ओके okay? जो सेकंड हमने लाइन ड्रॉ करी थी ये हमारा बी टू ऑल्टरनेटिव था और जो अभी थर्ड हमने लाइन ड्रॉ करी वा बी फोर ऑल्टरनेटिव है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये बी फोर ऑल्टरनेटिव है अब इसके बाद हमें क्या करना है अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने स्टेप्स फाइव में आना है स्टेप फाइव में क्या देखना है फाइंड द हाइएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इन द लोअर बाउंड्री ऑफ द ग्राफ अब हमें अपने ग्राफ में एक हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है अपने लोअर बाउंड्री में और उसको मैक्सिमम पॉइंट का नाम देना है अब देखिए हमारी लोअर बाउंड्री कौन सी है ये जीरो से नीचे जो बाउंड्री है वो लोअर बाउंड्री है अब इसमें हमें देखना है कि हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है तो हाइएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आ रहा है देखिए इस लोअर बाउंड्री में हाइस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ओके तो इसको हमें क्या करना है इसको हमें मार्क करना है अब इसके अलावा और कौन से कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास लोअर बाउंड्री में तो एक पॉइंट तो ये है ए एक पॉइंट हमारा बी है और एक पॉइंट हमारा सी है तो हमारा जो क्वेश्चन हमारा जो स्टेप्स कहता है कि हमें हाइएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो ए जो है वो थोड़ा नीचे है सी भी नीचे है और बी जो है वो सबसे ऊपर है तो लोअर बाउंड्री में जो हाईस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा बी है तो हम इसको मार्क कर देंगे और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाया जाएगा मैक्सीम पॉइंट कहलाया जाएगा तो हम बी को बोलेंगे तो बी हमारा मैक्सीम पॉइंट है ओके okay. और इसके जो नीचे जो जितना भी एरिया है हम उसको शेड कर देंगे देखिए स्टूडेंट शेड करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मैक्सिमम पॉइंट इज ओनली टू फॉर्म अप टू बाय टू पे ऑफ मैट्रिक्स तो अगर हमारी जो नंबर ऑफ लाइन जो है वो मैक्मम पॉइंट से खाली दो ही लाइन गुजर रही है तो उससे हमें क्या करना है अपना टू बाई टू का मैट्रिक्स बनाना है तो अगर हम देखते हैं अपना जो मैक्सीम पॉइंट है जो बी है क्या यहाँ से दो लाइन गुजर रही है तो हाँ यहाँ से दो लाइन गुजर रही है एक हमारी बी फोर वाली और एक हमारी बी टू वाली तो इसकी मदद से हम अपना टू बाई टू का पे ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर ऐसा नहीं हो रहा होता देखिए अगर ऐसा नहीं हो रहा था होता तो हमें स्टेप सेवन में जाना पड़ता तो स्टेप सेवन कहता है कि आइडेंटिफाई एनी टू लाइन्स विद अपोजिट स्लोप्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट देन फॉर्म दैट टू बाई टू मैट्रिक्स देखिए कभी कभार क्या होता है जहाँ पर हमारी इंटरसेट करती है लाइन वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइन भी आपस में इंटरसेट कर सकती है तीन या चार लाइन भी इंटरसेट कर सकती है तो ऐसे केस में हमें दो लाइन्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि आपस में अपोजिट स्लोप हों अब इस चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम एम इंटू टू जब गेम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे अभी तो हमारे पास ऐसा कोई ऐसा स्टेप नहीं आया है हमें को डायरेक्टली हमारे को ऐसी लाइन मिल गई है जहाँ पर दो ही लाइन आपस में इंटरसेट कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप एट में जाना पड़ेगा तो स्टेप एट हमारा कह रहा है कि अब इसकी मदद से आप एक तो टू बाय टू का पे ऑफ़ मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसी टू बाय टू पे ऑफ़ मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको आपको सॉल्व करना है बाई यूजिंग ऑर्डमेंट्स ऑर्डमेंट्स की मदद से आप उसको सॉल्व करें और फाइंड आउट करें प्लेयर ए और बी की स्ट्रेटजीज और वैल्यू ऑफ गेम आइए सॉल्व करते हैं देखिए हमारे पास क्या क्या हमारे पास क्या क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं एक तो बी फोर है और एक बी टू है तो जब हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो प्लेयर बी है तो उसके टू और फोर स्ट्रेटजी को लेके ही हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पर टू और फोर स्ट्रेटेजी लेंगे और प्लेयर वन की तो पहली दो ही लेंगे तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ देखिए ग्राफ की मदद से हमें पता चल चुका था कि यहाँ पर हमें प्लेयर बी की दो स्ट्रेटजीज लेनी है जो कि टू एंड फोर है एंड प्लेयर वन की ये है तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स से मैंने प्लेयर बी की दो स्ट्रेटजी ले ली तो अभी जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो टू बाय टू का हो गया अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बाय पहले मैं इसका ऑर्डमेंट्स निकालूंगा फिर उसके हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर लूंगा मतलब प्रोबेबिलिटी तो ऑर्डमेंट्स कैसे निकालते हैं देखिए रो का ऑडमेंट निकालने का तरीका हमने सीखा हुआ है जो फर्स्ट रो का जो ऑडमेंट होगा वो सेकंड रो के उसमें लिखना है और सेकंड रो का ऑर्डमेंट फर्स्ट रो में तो यहाँ पर हम करेंगे टू माइनस माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा हमारा एट वैसे यहाँ पर होगा फोर माइनस माइनस नाइन जो कि होता है हमारा थर्टीन उसी तरीके से हम कॉलम का ऑर्डमेंट निकालेंगे तो सेम फर्स्ट कॉलम का ऑर्डमेंट सेकंड कॉलम के उसमें लिखा जाएगा और सेकंड कॉलम का ऑर्डमेंट फर्स्ट कॉलम के तो टू माइनस माइनस नाइन ये हमारा होता है इलेवन एंड फोर माइनस माइनस सिक्स ये हमारा होता है टेन तो ऑर्डमेंट निकालते समय सबसे पहले हमें, हमें हाईस्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है फिर उसके बाद माइनस करना पड़ता है जो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है उससे ओके अब ऑर्डमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया अब ऑर्डमेंट की मदद मतलब से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉमूला क्या होगा देखिए यहाँ पर प्लेयर वन की फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का फॉमूला क्या होगा प्लेयर ए का तो ये है ऑर्डमेंट यहाँ पर थर्टीन है अपॉन में थर्टीन प्लस एट तो थर्टीन अपॉन में थर्टीन प्लस एट ये हो जाएगा हमारा थर्टीन बाई ट्वेंटी वन उसी तरीके से सेकेंड प्लेयर सेकेंड प्लेयर ए का जो सेकंड स्ट्रेटेजी है उसका प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा एट अपॉन में थर्टीन प्लस एट तो ये आ जाएगा हमारा एट अपॉन में ट्वेंटी वन ओके तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थर्टीन बाय ट्वेंटी वन है प्लेयर ए का और सेकंड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एट बाई ट्वेंटी वन है उसी तरीके से हम प्लेयर बी की भी निकाल लेंगे बाय यूजिंग ऑर्डमेंट्स तो यहाँ पर हमारा टेन है तो ऊपर टेन रहेगा और डिनोमिनेटर में टेन प्लस हो जाएगा तो ये होता है टेन बाई वैसे ही सेकेंड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रॉब्लटी हो जाएगी इलेवन अपॉन में टेन प्लस जो कि होता है हमारा एलेवन बाय ओके तो यहाँ पर ये दो हमारी प्रॉब्ल्टीज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं ओके तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं अब कि हमारे पास क्या क्या फाइनल आंसर आया तो देखिए अब प्लेयर ए जो है प्लेयर ए जो है प्लेयर ए के पास दो ही स्ट्रेटजी थी तो उसको सिलेक्ट करने की प्रॉलिटी क्या क्या आई है उसके पास एक तो आई है थर्टीन बाई एट और दूसरी आई है उसके पास एट बाई ट्वेंटी वन वैसे अगर मैं बात करूं प्लेयर बी की तो प्लेयर बी के पास टोटल फाइव स्ट्रेटेजी थी जिसमें उसने कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करी सेकंड एंड फोर्थ और सेकेंड एंड फोर्थ को सिलेक्ट करने की प्रायोरिटी अब आप, आपके पास कैलकुलेट हो सकी है और बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रेटेजी है वो उसने सेलेक्ट नहीं करी है तो क्या प्रॉब्ल्टीज़ हो जाएंगी वो आप डेटा नोट करेंगे तो देखिए फर्स्ट उसने सेलेक्ट नहीं करी तो फर्स्ट की जीरो हो जाएगी सेकेंड उसने करी है तो उसका हो जाएगा टेन बाय ट्वेंटी वन वैसी थर्ड उसने नहीं करी तो जीरो फोर्थ उसने करी है तो उसका प्रोबेबिलिटी है एलेवन बाय ट्वेंटी वन और फिफ्थ उसने नहीं करी है तो उसका हो जाएगा जीरो ओके okay, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेटजीज फाइंड आउट हो चुकी है लास्ट में हमें क्वेश्चन ने कहा था कि आप वैल्यू ऑफ गेम को भी कैलकुलेट करिए तो वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल फॉर्मूला था इस रो को हम इस ऑर्डमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस रो को इस रो के वैल्यू को इस ऑर्डमेंट से और डिवाइड करेंगे आपस में ऑर्डमेंट के सम से तो आंसर हो जाएगा आपका टू इंटू थर्टीन प्लस माइनस नाइन इंटू एट ओके अपॉन में थर्टीन प्लस एट तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस फोर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी वन तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ़ केम को भी फाइंड आउट कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफिक मेथड की मदद से अपना टू इंटू एन गेम के क्वेश्चन को सॉल्व किया है एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या किया किया है देखिए जब भी क्वेश्चन टू इंटू एन गेम का होता है तो आपको जो पे ऑफ मैट्रिक्स मिला होगा उसमें दो रो होंगी और कॉलम आपकी कितनी भी हो सकती हैं तो आपको क्या करना होता है वो जो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको टू बाय टू में कन्वर्ट करना होता है टू बाय टू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उस पे ऑफ मैट्रिक्स का आपको सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है अगर सैडल पॉइंट नहीं मिल पा रहा तो आपको उसके बाद उसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी चेक करनी होती है ताकि जो आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है उसका साइज को आप रिड्यूस कर सके ठीक है तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने के लिए लगाने के बाद हमने देखा कि साइज जो है वो यहाँ पर दो कॉलम्स मेरी डिलीट हो गई उसके बाद हम क्या करते हैं प्लेयर ए की जो स्ट्रेटेजीज़ होती हैं एक स्ट्रैटेजी को हम एक्स सेलेक्ट करते हैं और दूसरी स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी को हम वन माइनस एक्स सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर प्लेयर का जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ और गेन निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये जो है डेटा उसको हम नोट करते हैं उसके हिसाब से हमारे को एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन में कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं हमारे पास हमें देखना होता है कि जो हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा लोअर बाउंड्री में उसे हमें सेलेक्ट करना होता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो लोअर बाउंड्री में है हमारे पास ए बी और सी आई होते हैं ओके okay? तो इसमें से हम हाईएस्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं तो हाईएस्ट हमने ये देख लिया अब इस हाईएस्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमें देखना होता है कि हाईएस्ट जो मैक्सिमिन पॉइंट हमारा आ गया है क्या वहाँ से दो ही लाइन आपस से गुजर रही है तो इसमें हमारी दो ही लाइन हम आपस से गुजर रही थी तो इन्हीं दो ही लाइन की मदद से हम क्या कर देते हैं अपना पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं तो हम बी की फोर्थ और सेकंड स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो बी की हमने सेकंड और फोर्थ फोर्थ स्ट्रेटजी को यूज़ किया देखिए प्लेयर ए की तो दो ही थी ठीक है तो इसकी मदद से हमारा ये टू बाई टू का मैट्रिक्स बना तो टू बाई टू के मैट्रिक्स बनने के बाद हम यहाँ पर ऑर्डमेंट्स कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से जो स्ट्रेटेजी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और वैल्यू ऑफ गेम आराम से कैलकुलेट हो जाता है तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़े ही सिंपल तरीके से यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया आई होप आपको अच्छे से क्लियर है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर ग्राफिक मेथड के सेकंड स्ट्रेटजी जो सेकंड गेम है हमारा उसको सीखेंगे जो है एम इंटू टू गेम ओके अब तब तक के लिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय टेक केयर